लास्ट वीडियो को ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम लोग जेएनयू के अंदर थे और अभी बाहर जा रहे हैं मॉल की तरफ। तो आगे जाकर हम लोगों ने वेट किया था यहाँ पे कि मतलब और भी कुछ लोग थे, सब लोग साथ में मिलकर जाने वाले थे, तो एक जगह हम लोग जमा हुए, उसके बाद फिर एक साथ मॉल की ओर गए थे। ये रास्ते देखकर ना मुझे मेरा पुराना टाइम याद आ रहा था जब हम लोग यहाँ रहते थे, तब काफ़ी मतलब शांत और अच्छा एरिया है। दिल्ली में मैं चौक गई थी जब फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, तो कि मतलब दिल्ली में ऐसे भी ग्रीनरी से भरी हुई कोई जगह हो सकती है। अब यहाँ पे ओवरब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम, सानवी अपने अंकल की गोद में है और ये है एम्बियंस मॉल जहाँ हमें जाना था। तो एक मतलब अलग चीज़ मुझे देखने को मिली है, साउथ के मॉल जो होते हैं ना वो थोड़े सिंपल होते हैं और यहाँ के मॉल बहुत डेकोरेटेड होते हैं, मतलब बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं। तो मॉल के अंदर हम लोग पहुँचे डेकाथ्लोन में, जहाँ सबसे पहले इसकी नज़र पड़ी इस जंपिंग बॉल पे और इसके साथ ही सानवी खेलने लग गई। तो ऐसा था ना कि एक जने को मतलब इसके ही साथ रहना था, तो कुछ देर के लिए मैं थी, उसके बाद फिर अंकल के पास चली गई थी, तो उस टाइम की वीडियोस मैंने शूट करी नहीं। ये बाथटब के पास ये देख रही है, एक्चुअली में ये जो मतलब डेकाथ्लोन है यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं रिजनेबल प्राइस में, तो हम लोगों का जब भी आना होता है तो हम लोग मतलब चाहते हैं कि ज़रूर आए यहाँ पर। और इसे तो ऐसी कलरफुल चीज़ें मिल गई थी कि मतलब उसके अलावा इसे कुछ दिख नहीं रहा था, बहुत ही अच्छे से वो खेल कूद रही थी यहाँ पे। बस हमें देखना पड़ रहा था कि मतलब कहीं ये खुद को हार्म ना करे किसी चीज़ से, बस इतना ही था। इस गेंद को तो इसने ऐसे लेके बैठा था ना जैसे इसका ही है, ना किसी को छूने दे रही थी ना लेने दे रही थी, बस इसे ही पकड़ के बैठी हुई थी। काफ़ी सारी वीडियोज़ तो मेरे पास इसकी है ही नहीं, जिस मतलब इसने वहाँ पर जुम्बा भी किया था, प्लस टेंट में भी कूद कूद कर खेली थी, डांस किया था उसमें, तो वो सब तो है नहीं। अब वहाँ से निकलकर हम लोग चले आए सुपर बाज़ार की तरफ, जो कि अभी पूरी तरह से मतलब ओपन नहीं हुआ था, बट लोग परचेज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे देवर को लेनी थी ग्लूकोन डी, तो इसके लिए वो इधर आए थे, तो वही देखा मैंने कि मतलब अभी काम वहाँ पे चल ही रहा है मतलब। और यहाँ भी सानवी की शैतानी स्टार्ट, यहाँ ऊपर में वो विस्तारा का ऐड आ रहा था जो कि मुझे बहुत पसंद है फ्लाइट में विस्तारा, तो इसलिए मैंने वो भी ऐसे ही कवर कर लिया। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ के मॉल बहुत सुंदर होते हैं, रात में तो इसकी ब्यूटी और भी मतलब देखते बनती है, बहुत ही सुंदर लगता है रात के टाइम पे। यहाँ लौटते टाइम पे भी सानवी जो है अपने अंकल के गोद में थी, हमेशा मतलब वो मेरे से चिपकी रहती है, इसलिए मैंने बोला कि अभी तो मैं छूँगी नहीं, तो उन्होंने किसी तरह से मतलब बहला करके रखा हुआ था उसको। वहाँ से फिर हम लोग लौट कर आए, तो हम लोग विवेकानंद की स्टैचू के पास आकर के थोड़ी देर रुके थे। जब मैं पहले आई थी तब ये यहाँ पे नहीं था, अब मतलब ये हैं। सानवी ने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाई, बहुत खुश हो गई थी, ऐसे देख रही थी ना एकदम, डांस कर रही थी, चेन पे उस चली जा रही थी, झूला झूल रही थी, मतलब यहाँ बिल्कुल मुझे इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना मेरे वो हाथ आ रही थी किसी के भी, बस खुद ही खेलती जा रही थी। हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठे रहे, यहाँ पे इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं, गर्मियों का टाइम भी था और वैसे में ये जगह बहुत अच्छी लग रही थी। काफ़ी सारे लोग आ रहे थे और आकर के यहाँ पे सेल्फी लिए जा रहे थे, तो ये उस एरिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं कि हो गया था। साथ में एक दीदी भी थी इसकी, जिसके साथ इसकी लड़ाई हो जा रही थी, दीदी को यूँ ही बैठना था जहाँ पर सानवी को बैठना था। सुनो बेबी को कुछ नहीं करो, इधर सुमेधा, अरे सुनो ना इतना ज्यादा ना, अरे यहाँ अच्छा फोटो आता है, सुमेधा हो गया शुरू भाई, देखो ना वहाँ पे वहाँ अच्छा फोटो आता है, चलो अच्छा। इसके बाद ये थोड़ी देर और यहाँ खेली। नेक्स्ट डे सानवी फिर कुछ दीदियों से मिली जिन्हें जिनके साथ उसने फिर से पढ़ाई वढ़ाई करी, ये मेरे देवर की फ्रेंड्स थी। तो बस यही था हमारा दिल्ली का ब्लॉग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Yeah. Man, yeah. Watch, yeah.
अच्छा।